अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 करना है, फाइंड दी डिस्क्रिमिनेंट। यानी कि आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने इसका क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से ए की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, 2। बी की वैल्यू है एक्स कोफिशेंट 3 और सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है। तो अगर इसके साथ नेगेटिव साइन भी है तो आपने वो भी लगाना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है और ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी रेडिकल साइन के अंदर आपके पास ये वैल्यू होती है। इसका मतलब है रेडिकल साइन के अंदर जो आपके पास वैल्यू है आपने उसको फाइंड करना है और उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है, 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 इक्वल टू 17। 17 इसका आंसर है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है 6x² माइनस 8x+3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास अगेन आपने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू क्या है माइनस 8 और c आपके पास 3 है। आपने अगेन फार्मूला लगाना है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी स्क्वेयर क्या है, माइनस 8 होल स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप पूरी वैल्यू कैलकुलेटर पर भी लिख कर भी काउंट कर सकते हैं और बेशक आप इसे सेपरेट सेपरेट भी फाइंड कर लें। यहाँ पर ए की वैल्यू 6 थी, सॉरी ए की वैल्यू 6 है, पर 6 आ जाएगा और अब इसे काउंट करें। 8 स्केयर क्या होता है, 64 माइनस, यहाँ पे आपने ये वैल्यू फाइंड की तो क्या आ जाएगा, 72। तो माइनस करने तो क्या आएगा आपके पास, माइनस 8। उसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 क्या है, 9x² माइनस 30x+25 इज इक्वल टू 0। ए आपके पास अब 9 है, बी माइनस 30 एंड सी इज 25। अगेन फार्मूला लिखेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac और बी आपके पास है माइनस 30 होल स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी कर लें तो बेशक आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे रख के इसको कर सकते हैं। आप अगर कैलकुलेटर पे ये पूरी वैल्यू भी लिखते हैं तो भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा, 0। तो ये नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आपके पास क्वेश्चन मैंने लिख लिया, ए आपके पास 4 है, बी की वैल्यू माइनस 7 और सी आपके पास है माइनस 2। इस तरह आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखा, फार्मूला लगाएं और बी की वैल्यू माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लें तो आपके पास क्या आएगा, पूरा कैलकुलेटर पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने अलग अलग करना है तो आप कर सकते हैं और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आएगा आंसर 81। तो ये इसका आंसर है।